अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिंगी पार्सल बनाने की रेसिपी। दोस्तों हम हमेशा इनको बाजार से ही मंगाते हैं, लेकिन आप अगर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो घर पे ही आसानी से डोमिनोज जैसे जिंगी पार्सल बना सकते हैं। आइए आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से बहुत करारे हैं और अंदर से ये देखिए इनका टेक्सचर कितना बढ़िया बना है। ये रहा, है ना, बिल्कुल बाजार जैसे बहुत बढ़िया बना है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसको जरूर बनाकर देखिए और अपने बच्चों को खुश कर दीजिए बनाकर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए बनाते हैं आज झिंगी पार्सल। झिंगी पार्सल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैदा। हमने 200 ग्राम मैदा ले ली है। एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, एक छोटी चम्मच चीनी ले लेंगे और हमारी ये 100 ग्राम दही है ये लेंगे और ये दही डालेंगे। ये देखिए, अब इसे हम एक थाली में डाल लेंगे और इसमें तेल डालेंगे और अपना डो इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मस लेंगे जब तक ये डो हमारा बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट ना हो जाए। और तेल डाल लेंगे इसमें। देखिए हमारा आटा अच्छे से बिल्कुल घुल चुका है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। और अब उसमें से एक साइड रख देंगे और इस पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। आइए हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। हमने 2 चम्मच तेल डाल लिया है। आइए, तेल गर्म हो चुका है, हम ये थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं और ये देखिए, ये हमने एक बड़ी प्याज कट कर ली है, एक टमाटर हमने मीडियम साइज का कट किया है, ये हमारे पास हरी मिर्चें थी, जो हमारे पास लंबी और मोटी हरी मिर्चें होती है वो थी, एक पीली थी, एक लाल और हरी, ये हमने तीनों काट लिया। अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर आपके पास ना हो तो हरी ही काट लें। ये सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। और ये हमारे पास फ्रोजन मटर है, ये डालेंगे, ये तकरीबन 100 ग्राम मटर है। इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे हमारे मटर नरम हो जाए। आइए देखते हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अपनी हरी मिर्च डाल देंगे, लाल वाली, ये पीली वाली, सभी हरी मिर्च डालेंगे। और इसमें ये टमाटर डाल देंगे। फिर से इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रख देंगे। हमारी सारी सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है और ये डाल देंगे शेजवान चटनी, ये हमने घर पे ही बनाई है, आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं है। ये हमारे टमाटो सॉस है, ये डाल देंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, ये कुटी हुई मिर्ची, ये डालेंगे। हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है,
ये डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। ये 100 ग्राम हमारा पनीर है, ये डाल देंगे। आइए देखिए, ये हमारा सॉफ्ट डो है एकदम, और इसको अब हम ऐसे गोल गोल कर लेंगे। आइए इसको कट कर लेंगे। ये हम एक साइड रख देंगे, इसे ढक के रखेंगे। आइए इसको तेल लगा के रखते हैं। इसमें हम अपने झींगे पार्सल पकाएंगे कढ़ाई में रखकर। ये देखिए, ये हमने मक्का का आटा लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम करारे बनते हैं। अगर आपके पास मक्का का आटा ना हो तो आप मैदा ही ले सकते हैं। ये देखिए, ये हम इसे अच्छे से मक्का के आटे में कर लेंगे। देखिए, हम इतनी बड़ी अपनी रोटी बनाएंगे। ये हमने इतनी पतली बनाई है, ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी, ज्यादा पतली भी नहीं करनी है, और इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे, इधर से भी इसे मोड़ देंगे और इधर से भी मोड़ देंगे। ये देखिए, और इस पे पानी लगाएंगे, यहाँ पे पानी लगाएंगे। और इसमें हम अपनी फीलिंग रख देंगे। ये देखिए, और इसको उठाएंगे इधर से और फिर इधर से इनको पकड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर ये उठाएंगे ये इस तरीके से, और इसको दबाएंगे अच्छे से, और इसको इस तरीके से हम मोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमारी स्टफिंग अच्छे से बन चुकी है, और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम आइए आपको दूसरा भी तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए, इधर से पकड़ेंगे ये, और इसे भी पकड़ लेंगे यहाँ से, और फिर ये पकड़ेंगे यहाँ से, और इसको इस तरीके से हम इस तरीके से बंद कर देंगे। इसे अच्छे से हमें दबा देना है, जिससे ये हमें हमारे खुले नहीं, और इसे भी हम इस पर रख देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से और बना लेते हैं। ये देखिए, हमने अपने झींगे पार्सल तैयार कर लिए हैं, और इन पर हम ये तेल लगा देंगे। हम
हमारी कढ़ाई गरम है, हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी। यह हमने 10 मिनट पहले मीडियम गैस पे गरम होने के लिए छोड़ दी थी। आइए, अब हमने इसमें नमक डाल रखा है और एक प्लेट रख दी है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड भी रख सकती हैं। इसे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो रही है इस वक्त। और इसे हम 30 मिनट के लिए रख देंगे, उससे पहले इसे नहीं खोलेंगे, ढक के रखेंगे इसी तरीके से और 30 मिनट के बाद इसको खोल कर देखेंगे। और इस पे चाहे तो कुछ वजन भी रख सकते हैं, ये भी गर्म है। आइए, ये रख देते हैं हम अपना वजन और गैस को मीडियम करेंगे। आइए, 30 मिनट हो चुके हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए, हमने दूध और चीनी लिया है इसलिए हमने इसे 30 मिनट पर खोल लिया है। ये लगाएंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये थोड़ी हमारी कसूरी मेथी है, ये हम इस पे डाल देंगे। और इसे फिर से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो चुके हैं, कलर भी इनका बहुत प्यारा आया है। आइए, इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे झिंगी पार्सल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये बहुत टेस्टी बने हैं। अब आप भी बनाइए और खाइए और मेरी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।